लास्ट वीडियो में आपने देखा वी आर जस्ट इंजॉयिंग द वेदर सी बहुत लेट हो चुका है हम रात के 8 बजे निकले थे और अब कितना हो गया 12 घंटे होने वाले हैं ओह ऑलमोस्ट ऑल पहली बार है जी पहली बार धक्का लगा दो गाड़ी आ गई तो जैसलमेर से हम निकल पड़े अपने डेजर्ट एरिया विच इज खुरी डेजर्ट। खुरी डेजर्ट जो है 50 किलोमीटर्स की डिस्टेंस पे है जैसलमेर से और लगभग 1 घंटा आपको लग जाएगा वहाँ पहुँचने में। जो इम्पॉर्टेंट बात है खुरी डेजर्ट जाते वक्त वो ये है कि आपको इस 1 घंटे के अंदर कोई रेस्टोरेंट कोई शॉप्स वगैरह नहीं मिलेगी तो आप मेक श्योर करो कि पानी की बॉटल और या फिर कुछ खाना पीना जो भी करना हो वो आप पहले ही कर लो जैसलमेर में क्योंकि वो उस 1 घंटे के डिस्टेंस पे आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है और यही गलती हमने की थी। After completing 1 hour journey, we reached to our resort. आप देख सकते हैं कि कैसा अच्छे से decorate कर रखा है बिल्कुल जो बाहर का area है जो कि बहुत ही ज़्यादा attractive है और ये जो आप देख रहे हैं ये camps हैं which is luxurious camps जो कि हमने book किया था और क्योंकि हम रूम्स वगैरह हमेशा ही बुक करते हैं बट एक लग्जूरियस कैंप का जो एक फील था वो लेने के लिए हमने ये कैंप्स बुक करे और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये अंदर से एग्जैक्टली कैसे दिखते हैं। ये जो वीडियो है मैंने डिपार्चर के टाइम पे बनाई थी तो अभी रूम थोड़ा सा आपको मैसी लग सकता है सो प्लीज़ इग्नोर इट। तो ये बाहर का रूम के बाहर का है थोड़ा सा बैठने का जो स्पेस दे रखा है नीचे अलग से बैठ सकते हो और चेयर्स भी है जो एकदम स्विंग वाली चेयर्स होती है तो बहुत ही आई मीन इट्स वेरी अट्रैक्टिव जो नॉर्मल रूम्स जो होते हैं उससे बहुत ही बेटर लगा मुझे तो ऑप्शन। और यहाँ आप रेस्ट कर सकते हो और बाहर का जो वेदर है वो इन्जॉय कर सकते हो और ये अंदर का है यहाँ पर फ़ैन भी आपको अवेलेबल है और एसी भी है क्योंकि डे टाइम में बड़ी गर्मी होती है तो एसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये था हमारा रूम थोड़ा सा मैसी लग रहा होगा आपको बिकॉज ये डिपार्चर का टाइम था और ये है हमारा वॉशरूम तो आप देख सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस है और बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं हो रहा कि आप एक टेंट के अंदर रह रहे हो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा लग्जूरियस और एक अलग ही फील देता है जो जनरली आप नहीं फील करते हो रूम्स में और आसपास बिल्कुल ऐसी हवा चल रही होती है आपको फील होता है टेंट में बाहर का। ये देखिए आप टेंट में भी जैसे बाहर आप देख सकते हो तो मैं तो पर्सनली ज़रूर रेकमेंड करूँगी कि आप अगर खुरी जाते हो तो कैंप में रहना और वो फील करना एक तो आप डेजर्ट में हो ऊपर से आप कैंप में रह रहे हो तो वो एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। नॉर्मल आप होटल वगैरह में जाते हो रूम्स में रहते हो चारों तरफ से बंद होता है बट दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट फीलिंग एंड आई वुड रिकमेंड यू गाइस शुड ट्राई एटलीस्ट वंस। तो फिर शाम को हम निकल पड़े कैमल सफारी के लिए
जैसा कि आप देख रहे हो एक छोटा सा बच्चा हमको कैमल सफारी करवा रहा है। दूर से ही आपको रेगिस्तान दिखने लगा है और एकदम बहुत ही एक्साइटमेंट से आ जाती है जब आप आसपास पहुंच जाते हो। तो हम एक्चुअली लेट हो गए थे, तो सनसेट भी होने वाला था जैसा कि आप देख रहे हो। तो हमको ज़्यादा टाइम नहीं था हमारे पास, तो हमको जल्दी पहुँचना था ताकि हम इंजॉय कर पाएँ। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ द ट्रिप इज डांसिंग ऑन दिस सॉन्ग एंड विच इज़ ऑन फोक म्यूजिक। एक्चुअल में तो ये मूवी का सॉन्ग है, बट वहीं का एक लोकल बंदा था जो राजस्थानी फोक इंस्ट्रूमेंट से वो म्यूजिक प्ले कर रहा था और फोक म्यूजिक गा भी रहा था, विच मेक दिस मोमेंट सो अमेजिंग एंड मेमोरेबल, जो मैं कभी भी नहीं भूलने वाली हूँ। तो पंकज जी, हम यहाँ आज फाइनली रेगिस्तान पहुँच चुके हैं, जो कि आपकी बहुत अरसों की इच्छा थी, वो आज पूरी हुई है। तो हाउ आर यू फीलिंग नाउ? रिलैक्स्ड। रिलैक्स्ड? यू कैन सी स्वर्ण नगरी। फीलिंग लाइक मॉरिशियस? You like peace? Feeling relaxed, feeling happy, away from work. यहाँ पे लोग भी एकदम रिलैक्स है, अपना घर में आराम से बैठे हुए हैं, रात में खाना बना रहे हैं, कोई भागम भाग नहीं है, कोई भागता नहीं दिख रहा है यहाँ पे। नहीं, तो अब हम जाएंगे अपने होटल और ऊँट की सवारी करके आए हैं, और दोबारा ऊँट में जाना है, बहुत देर तक पैरों की वाट लग जाती है, इसलिए थोड़ा यहाँ पे रिलैक्स करते हैं और फिर चलते हैं अपने मामा रिसॉर्ट में। रेगिस्तान है। देखो, रेगिस्तान ही रेगिस्तान है पीछे। मॉरिशस में मतलब आपको सेम चीज़ बोली थी कि दूर दूर तक समंदर ही समंदर है, शांति शांति, वैसे यहाँ रेत ही रेत है। सनसेट भी हो चुका है, हमने पिक्स भी खींच ली है, ऑलमोस्ट सब कुछ हो गया है, बस निकलने की देरी है, वो हमारा वेट कर रहा है राजू, छोटा सा बच्चा। Yeah.
Wow, it was just an awesome experience. ये जो कल्चर एक्टिविटीज और डांस और ये म्यूज़िक राजस्थानी कल्चर, I just loved it. और इसी के लिए मैं राजस्थान आई थी एक्सपीरियंस करने के लिए. मैंने डांस भी किया इनके साथ. अनफॉर्चुनेटली वो वीडियो नहीं है मेरे पास, अदरवाइज मैं ज़रूर इस वीडियो में डालती. तो इतने अच्छे रिफ्रेशमेंट के बाद हमने डिनर किया एंड वी जस्ट वेंट फॉर स्लीप बिकॉज नेक्स्ट डे हमको दिल्ली के लिए निकलना था. सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस इन दिस कैंप? व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस ये था कि टेंट में रहना और जैसे ऋषिकेश का ड्राइंग रूम बैठने का, बाहर बैठने का भी अलग से है. और यहाँ पे अलग अलग तरह का है ऑप्शन. आप रूम लेना है आपको रूम लो, और स्वीट भी है कपल्स के लिए, और कैंप अलग है. और एक और ऑप्शन है यहाँ पे, आप फैमिली रह सकती हैं. दो रूम है, टू रूम सेट. वहाँ पे किचन भी प्रोवाइड करते हैं लोग. सो हेयर इज एवरी ऑप्शन यू वांट टू चूज. लाइक दिस रिजॉर्ट अरब नाइट्स के जो वो फील कराते हैं, पीछे रूम्स भी देखिए. वैसे अरब नाइट्स में होते हैं जैसे नॉर्थ मिडल ईस्ट के अंदर होते हैं, थोड़ा वो फील कराते हैं यहाँ पे अरब नाइट्स. अरब नाइट लाइक दुबई मुंबई एंशिएंट स्टोरीज. तब आपने सुबह का नाश्ता जैसलमेर में किया, अब आप दिन का लंच कहाँ करेंगे? जोधपुर. और रात का खाना अजमेर. थोड़ा सा इसे कस्टमाइज करते हैं. हमने जैसलमेर जीत लिया, अब जोधपुर जीतने जा रहे हैं. मिलते हैं जल्दी. So this is it for this video. I hope you guys enjoyed it. और आपको जो जो मैंने बातें बताई, क्या क्या ध्यान रखना है while you going to Khuri Desert area. Thanks for watching my video and people who are new to my channel and watching my video for the first time. So I request you all please subscribe to my channel and press the bell icon so that आपको नई videos की updates मिलती रहे. So I'm just ending my video. So stay
stay safe, be happy, and love you all. Bye.